भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो, टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। यहां पर ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनका यहां पर मेरठ की सड़कों पर रोड शो निकल रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरठ से अरुण गोविल हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से उम्मीदवार बनाया है, चुनावी समर में उनको उतारा गया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो यहां पर। प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो यहां पर, टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। ये हम आपको बता रहे हैं कि मेरठ में किस तरीके से चुनावी दंगल है, वो काफी दिलचस्प है। टीवी के राम अरुण गोविल को यहां से चुनावी दंगल में उतारा गया है। छब्बीस तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदान है, मेरठ की जनता भी बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। अरुण गोविल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, भव्य रोड शो यहां पर मेरठ के तमाम इलाकों से होकर गुजरता हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ मिलाकर अरुण गोविल तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी आपको बता दें कि इस रोड शो के साथ है, और हमारे संवाददाता वहां पर लगातार अरुण गोविल और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मेरठ से अरुण गोविल का रोड शो, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसा माहौल है मेरठ लोकसभा क्षेत्र का? मेरठ लोकसभा सीट का माहौल भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के पक्ष में। अखिलेश यादव, मायावती और तमाम अन्य पार्टियों का आगमन यहाँ बहुत बड़ा है, और वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव और बहन मायावती जी को हम ये कहने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि उनका ये कथन मिथ्या साबित होगा और असत्य साबित होगा। तो कितने लाख मतों से यहाँ जीतने वाले हैं? हम इतनी वोटों से जीतेंगे जिसकी कल्पना आपको नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं है। कांग्रेस तो कहीं बचेगी नहीं, कांग्रेस नहीं बचेगी, कांग्रेस के युवक नहीं बचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 बार का नारा बुलंद हो रहा है। और जिस तरह से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तमाम अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो यही मुद्दे जनता के दिल में घर कर गए? कानून व्यवस्था के मामले में योगी का जवाब है क्या कोई? अखिलेश के कार्यकाल में रेलवे स्टेशन पर घोड़े पर चढ़ते थे सपा वाले लोग, आज वो घर बैठ गए। लोगों से क्या अपील करेंगे 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करें? आज मेरी अपील है, भारत माता और विकास से युक्त भारत बना। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।